हाउ टू गेट पास एन इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जाम 2023 एकदम शॉर्ट के टायरे देने जा रही हूँ। ड्राइंग में इजी बुक लगेगा आपको और जो मटेरियल लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये सारे जो मटेरियल मैं आपको दिखा रही हूँ वो स्टेप बाय स्टेप आप अपने डायरी में मेंशन कर लेना, एग्जाम के वक्त आपको काम में आने वाली चीज़ें हैं। आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा, तो उसका आप बोथ साइड्स यूज कर सकते हो। स्टिल लाइफ के लिए आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जो कंपोजिशन है वो भी आपको करना है। कुछ स्केचिंग आप प्रैक्टिस करोगे तो ही पेंटिंग का प्रैक्टिस करोगे इस बुक में। आपको एंड में आप कुछ कंपोजिशन मिलेंगे, उसकी भी आपको पेंटिंग की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करनी है। तो एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, छोटा सा इमेज है, आपको इसको एनलार्ज करना है, अच्छी तरह से सेट करना है, कंपोज करना है, पेंटिंग भी लाइट एंड शेडो के हिसाब से ग्रेडेशन वाइज कंप्लीट करना है। इस तरह एक टेक्सचर पेंटिंग में आपको दिखा रही हूँ, जिस इस तरह मैंने ट्यूब कलर से टेक्सचर करके दिखाया हुआ है। चलिए देखते हैं मेमोरी ड्राइंग की प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस के लिए ह्यूमन स्केचेस डेली करते रहना है और कुछ एनिमल्स के स्केचेस जैसे कि डॉग, कैट, काउ की कंपोजिशंस ड्राइंग भी आपको करनी है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे एक क्वारलिंग है, जैसे कि एक फाइटिंग हो रहा है लेडीज के बीच में। फिर इस तरह आपको एक अच्छी तरह से नरेशन पेश करना है, कंपोजिशन अच्छी तरह से होना चाहिए, पेंटिंग अच्छा करना है, तो आप कुछ टॉपिक्स लेके आप पेंटिंग की स्केचिंग की प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। चलिए देखते हैं डिजाइन ड्राइंग के लिए क्या प्रैक्टिस करनी है आपको। कुछ मोटिव्स इस बुक में है वो आपको अच्छी तरह से डेकोरेटिव फॉर्म में बनाना है। सिमेट्री फॉर्म के लिए आपको ट्रेसिंग पेपर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कुछ डिजाइन दी गए हैं जैसे कि हैंड फैन वगैरह सब है, उसके आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। कलरिंग के बारे में कुछ कलर स्कीम हटके होना चाहिए, कलर बैलेंस होना जरूरी है। और ये एसिमेट्री टेबल लैम्प है तो आप इसकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस या जजमेंट लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कलरिंग के हिसाब से आप पक्का कीजिएगा। जैसे कि एक टेबल टॉप प्लेट है जिसमें मैं मंडाला आर्ट का प्रैक्टिस किया है, कुछ एक पर्स का डिज़ाइन है उसमें भी आपको स्टिपल्स वगैरह करके दिखाया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं अभी ज्योमेट्री एंड लेटरिंग आर्ट का आप कैसे करेंगे। तो इस बुक में जितने भी प्रॉब्लम दिए हैं वो मैंने एक वीडियो बनाया है पहले ही, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके जो सॉल्यूशंस हैं अच्छी तरह से बताया हुआ है। यहाँ पे सॉलिड ज्योमेट्री भी आपको रहेगी तो डिटेल में जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। 2019 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, जो कि आपको 4 लैंग्वेजेस में मिलेगा, इंग्लिश, मराठी, हिंदी एंड उर्दू में। एक एग्जांपल दे रही हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। दिए गए पेपर के ऊपर फ्रंट साइड में आप 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व करके बैक साइड में आपको स्टैम्प के बाजू में सॉलिड ज्योमेट्री एंड लेटरिंग आर्ट कर सकते हैं। इस पेपर की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो अभी मैं थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ कि बाकी के पेपर्स कैसे रहेंगे। उसके जो भी 2019 एंड 2022 के जो भी कोई क्वेश्चन पेपर है उसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैं आपको थोड़ा बहुत जो दिखा रही हूँ वो मेमोरी ड्राइंग, डिजाइन ड्राइंग का जो मेरे पास में पेपर पड़ा है 2022 का, उसका मैं थोड़ा बहुत डिटेल यहाँ पे दिखा रही हूँ। चलिए अब सॉल्व करते हैं 2022 का ज्योमेट्री लेटरिंग आर्ट जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स हम करेंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप जितने क्वेश्चंस मिलेंगे वो पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो है हम ड्रॉ करेंगे हाइपोटेनस के लिए 7 सेंटीमीटर राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए आपको जो हाइपोटेनस है एज अ बेस करके 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। फिर उसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड से आपको बाइसेक्ट करना है इस तरह, ए और बी के ऊपर से आर्क बना के इसको ज्वाइन करना है। फिर एट द सेंटर आपको एक पॉइंट मिलेगा, वहाँ से आप सेमी सर्कल कंपास से सेमी सर्कल सेट कीजिएगा। अभी आपको एट ए पॉइंट 40 डिग्री का जो एंगल है वो आपके टुवर्ड्स राइट हैंड साइड मार्क करना है सर्कमफेरेंस पे। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। कंक्लूजन या सॉल्यूशन जो है वो दिए गए अनुसार आप अच्छी तरह से लिखना है बिलो अच्छी राइटिंग में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि रोम्बस एबीसीडी आपको ड्रॉ करना है, उसके जो बेस है 5 सेंटीमीटर दिया है और एक एंगल 70 डिग्री। अपने ड्राइंग पेपर में कुछ भी सेक्शन ना बनाइएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन बनानी है, फिर उसको आप मेजरमेंट्स एंड लेटरिंग आपको करना है। फिर उसके लेफ्ट साइड पे एट ए पॉइंट आपको 70 डिग्री का एंगल सेट करना है इस तरह, हाँ प्रोटेक्टर के साथ में एक एंगल आपको मिल जाएगा 70 डिग्री का। फिर आपको क्या करना है, कंपास में 5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लेके आपको कंप्लीट इस तरह एक आर्क बनाना है तो आपको एक रोम्बस मिल जाएगा इस तरह। हाँ ध्यान रखिएगा मेजरमेंट्स लिखना भूलना मत, लेटरिंग करना भूलना मत, कंक्लूजन लिखना तो बिल्कुल भूलना मत, अच्छी तरह से लिखना है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कि आपको एक सिंपली सर्कल ड्रॉ करना है 2 सेंटीमीटर, वो भी 40 डिग्री एंगल में
ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर। तो सबसे पहले आपको 40 डिग्री का एक एंगल रेडी करना है। इस तरह एक लाइन खींचे और प्रोटेक्टर के सहारे एक पॉइंट पे बराबर रखिए और 40 डिग्री का एक एंगल सेट करने के बाद आपको उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड से बाइसेक्ट करना है इस तरह। हाँ, कंपास का पॉइंट आपने रखा, एक आर्क बनाया जैसे कि MN नाम दिया, फिर उसको मोर देन हाफ से आप इस तरह आर्क बनाएंगे तो करेक्टली आपको टू इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। फिर आपको 2 सेंटीमीटर का पैरेलल लाइन बनाने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा इस तरह। फिर आप 2 पॉइंट्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड से वर्टिकल लाइन क्रिएट कीजिएगा। या आपने इस तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइंस वर्टिकली 2 बना चुके हैं, वो एक पॉइंट आपके बाइसेक्टर पे इंटरसेक्ट होगा और वही आपको क्या करना है, सर्कल सेट करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर एक सर्कल के लिए आपको एक रेडियस की जरूरत पड़ती है और इसीलिए इंटरसेक्ट पॉइंट पे अगेन आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड से एक इमेजिनरी आर्क रेडी करना है और उसको नाम देना है MNPQ, जो भी आपको अच्छा लगे उसको बाइसेक्ट करना है। सिर्फ नीचे की तरफ से उसको ज्वाइन करेंगे आप इंटरसेक्ट पॉइंट पे, बस आपका रेडियस तैयार हो गया और इस तरह आप एक सर्कल इंस्क्राइब करेंगे एंड इसी तरह कंक्लूजन लिखेगा कि दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल इन अ सेक्टर और एन एंगल। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। ड्रॉ एन एंगल ABC 70 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था 2022 का और 2019 का भी इजी ही क्वेश्चन पेपर था। कुछ बहुत रिपीट हो जाते हैं तो वही आ सकता है, तो आप वही जजमेंट लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप टेंशन ना लीजिए कि एग्जाम में एग्जैक्टली क्या आने वाला है, इन एडवांस आपको क्यों जानना है, उससे बेटर आप अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह हमने 2 इक्वल पार्ट्स किया है, इस तरह कंक्लूजन लिखना है आपको, दिस इज रिक्वायर्ड 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन टू लाइन AB। ठीक है, तो आपको सबसे पहले AB लाइन जो दी गई है 8 सेंटीमीटर की, वो लाइन बनानी है। फिर उसके ऊपर आपको AB की तरफ इमेजिनरी आर्क रेडी करना है। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड से ही आपको वर्टिकल लाइन क्रिएट करनी है, दैट इज द परपेंडिकुलर। इस तरह पॉइंट टू पॉइंट जाइएगा, आपके पेंसिल शार्प होनी बहुत जरूरी है। पॉइंट के ऊपर पेंसिल रखने के बाद भी आपको स्केल अटैच करके लाइन खींचिएगा और आपको एक डिस्टेंस लेना है 4 सेंटीमीटर का, इन कंपास एक मार्क करना है, आपको पैरेलल लाइन मिल जाएगी। कंक्लूजन लिखना, दिस इज द रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन टू लाइन AB। तो ये आपके सारे 5 क्वेश्चंस हो गए। बैक साइड में आपको सॉलिड ज्योमेट्री सॉल्व करना है, वो कंपलसरी रहेगा और एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। पिरामिड दिया गया है, इसका आपको प्लान एंड फ्रंट एलिवेशन साइड एलिवेशन बनाना है। तो 4 सेंटीमीटर का आपको एक स्क्वायर रेडी करना है, वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड से ही। मैं बार बार कहती हूँ, कंस्ट्रक्शन जो रहता है रेक्टेंगल स्क्वायर का, वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड से ही कीजिएगा। हमने इस तरह पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बाद जो इमेजिनरी आर्क बना के उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से लाइन एक्सटेंड की है इस तरह। फिर हम एग्जैक्ट जो 4 सेंटीमीटर का आर्क हम कंपास में लेके हम अपने वर्टिकल लाइन पे या परपेंडिकुलर पे हम बनाएंगे एंड इस तरह बोल्ड में हम एक स्क्वायर रेडी करेंगे। दैट वुड बी द प्लान ऑफ आर पिरामिड। उसके डायगोनल को ज्वाइन करना है आपको, फिर उसके ऊपर आपको एक 2 सेंटीमीटर की पैरेलल लाइन लगेगी। तो सिंपली आप 2 सेंटीमीटर पैरेलल लाइन के लिए मार्किंग कीजिएगा और एक लाइन खींचिएगा टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड एंड अबाउ जो रहेगा वो फ्रंट एलिवेशन रहेगा एंड राइट एलिवेशन। तो राइट एलिवेशन के लिए आपको इस पॉइंट पे कंपास का पॉइंट रख के सिर्फ लाइंस को खींचना है कर्व लाइंस में, तो आपको साइड एलिवेशन के 2 पॉइंट्स मिलेंगे। आपको बेस एंड वन साइड बाइसेक करना है ताकि आपको जो भी मिडिल लाइन है उस पर हम एक हाइट मेंटेन करेंगे ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है, तो उसके लिए हमें बाइसेक्टर की जरूरत पड़ेगी। इसी पॉइंट को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और इस लाइन को राइट हैंड साइड का बाइसेक करके हम एक लाइन जो वर्टिकल लाइन क्रिएट करेंगे, दैट वुड बी द परपेंडिकुलर ऑल्सो, वो हमारी हाइट होगी ट्रायंगल्स की जो हमें फ्रंट एंड राइट एलिवेशन में पिरामिड की दिखाई देगी। प्लान में स्क्वायर दिखेगा और फ्रंट एंड राइट में हमें ट्रायंगल मिलेगा एंड आप इस तरह लिख के डिटेल्स लिखना है प्लान फ्रंट एंड राइट एलिवेशन ऑफ अ पिरामिड और फिर कंक्लूजन लिखा दिस इज द रिक्वायर्ड प्लान एंड एलिवेशन ऑफ अ पिरामिड। कितना इजी है, आसान है ना। तो राइटिंग वगैरह सब अच्छा रखना। चलिए देखते हैं कि लेटरिंग आर्ट में आपको 20 बाय 10 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगुलर शेप बोर्ड दिया गया है
तो इस तरह आपको अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड से रेडी करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो नीट होना चाहिए, साइन बोर्ड पेंटिंग की तरह होता है। एलिमेंट्री में बहुत इजी है। इस तरह वसुंधरा नाम आपको दिया गया है, हमेशा ध्यान रखना कि दिए गए वर्ड्स को कब क्यों कैसे इम्पैक्ट देना है। वसुंधरा कार्तो का जग पृथ्वी ऐसा है, तो हमेशा सोचना कि इसका अर्थ होता है लोकप्रियता, अंकशास्त्र, व्यक्तिमत्व, इसके बारे में आपको बहुत कुछ समझ के लेना है। तो इसका क्या होगा, जो आपको थीम, जो बैकग्राउंड होता है अडेप्टेशन फॉर्म में, तो वो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। इस तरह हमने एक बॉर्डर लाइन खींची है, और अगेन जो इंग्लिश मराठी जिसमें आपको रेडी करना है बोर्ड में लेटरिंग आर्ट, तो वो देवनागरी है, रोमन है, कब कब इस्तेमाल करना है वो सोच के करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे वसुंधरा जो नाम दिया गया है, अगर मैं इंग्लिश में लूँ तो बहुत सारे लेटर्स हो गए, मैक्सिमम लेटर्स हो गए, बट वही अगर मैं हिंदी या मराठी में लूँ तो उसके जो लेटर्स है वो सिर्फ 4 आ रहे हैं, तो मुझे और आसानी मिलेगी, क्योंकि मुझे एक लेटरिंग इम्पैक्ट देना है। ऑल्सो मुझे उसका जो बैकग्राउंड है, अडेप्टेशन फॉर्म, जो थीम जो रहती है, वो एकदम सुटेबल होना बहुत जरूरी है। एंड एज पर दैट आपको एक बॉक्सेस रेडी करने, जहाँ पे 4 है तो मैंने 4 बॉक्सेस रेडी कर लिए हैं। एंड डिटेल में अगर बात करेंगे तो आपको बहुत ईजी जब जाएगा, जब एक फ्लैट ब्रश येलो पेंट से आप डायरेक्टली लिखेंगे, थोड़ा बहुत सूखने के बाद फिर बैकग्राउंड में आपको जैसा चाहिए वैसा एडेप्टेशन लिखेंगे, बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, एंड फिर उसको एक वेल बैलेंस में पेंटिंग आप करेंगे तो बहुत बेटर होगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, बैक साइड में आपका ड्रॉइंग रहेगा तो ज्योमेट्रिक के प्रॉब्लम्स रहेंगे बैक साइड में, तो कैलीग्राफी आर्ट आप करने जाएंगे तो ब्लैक इंक से ना कीजिएगा, ताकि वो बैक साइड का सब कुछ स्पॉइल कर देगा। पोस्टर पेंट ही आपके लिए सूटेबल होगा, तो समझ के करना, अभी बहुत जल्दी एग्जाम है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, पेंटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 3 घंटे में आपका बहुत कुछ अच्छी तरह से पेपर सॉल्व हो सकता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम के स्टार्ट टू एंड में सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, कृपया ठीक से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ अड़चन हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पर। प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा आपको, तो ही आप सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्री जो पेपर है वो स्कोरिंग पेपर होता है, तो अच्छी तरह से कीजिएगा, एंड फिर फाइनल आपको जो टच देना है पेंटिंग का, नीट करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much.